Hello everyone. Yes, this video is on article. What's the use of article? How we use article? So let's start with me. Okay. An article is a word that modifies or describes the noun, it is used before the noun to show whether it refers to something specific or not. एक आर्टिकल जो है एक वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है डिस्क्राइब करता है नाउन को जो नाउन से पहले लग के हमें ये बताता है कि वो नाउन स्पेसिफिक है या फिर नहीं ए एंड द आर कॉल आर्टिकल्स और आर्टिकल्स जो हैं कितने हैं थ्री ए एंड द और इन तीनों को क्या कहा जाता है आर्टिकल्स कहा जाता है एग्जाम्पल इज़ i want a glass of lemonade with an ice cube yes you can see a or N yes both are articles a glass of lemonade glass of lemonade is noun and ice cube also noun so we use a or N to denote to show about the noun there are two types of articles फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सैकेंड इज इंडेफिनेट आर्टिकल द इज़ द टाइप ऑफ डेफिनेट आर्टिकल एंड ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो टाइप के आर्टिकल्स हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट डेफिनेट में द है और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन आर यूज बिफोर वन पर्सन और थिंग मीन्स किसी एक पर्सन या फिर थिंग के साथ जो है हम ए और एन को यूज़ करते हैं सेकेंड रेफर्स टू द जनरल थिंग्स जो कॉमन थिंग्स होती हैं जनरल थिंग्स होती हैं उनसे पहले हम ए और एन को यूज़ करते हैं थर्ड यूज बिफोर काउंटेबल नाउन जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं उनसे पहले हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन वो होनी कितनी चाहिए वन उससे पहले हम ए और एन को यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ ए फर्स्ट इज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट ए और एन यूज्ड बेस्ड ऑन द साउंड हिंदी के वर्णमाला के स्वरों पर जो है बेस्ड है ए और एन लाइक ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड पर बेस्ड है भी जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे हिंदी की वर्णमाला के अनुसार क से ग ज्ञानी तक जो है अगर वर्ड्स का साउंड आएगा तो उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी अ टाइगर टाइगर Sound of t, -t, t, so we use a. A policeman. Police, p. Sound of p, a. A family, f. Sound of f, -t. so we use a. So, so we use a because of their sound. सेकेंड यूज ऑफ ए इज बिफोर वोवल्स विच बिगिन विद साउंड ऑफ यू आई एम रिपीटिंग अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड सो बी अब एक हाँ यूज़ होगा वॉवल जो साउंड क्या देगा यू का यू एज यू नो इट्स अ वोवल यू एक वॉवल है एज अल्फाबैट बट इसके साउंड को जब यू प्रोनाउंस करेंगे जब इसका साउंड यू आएगा तब हम क्या यूज करेंगे आर्टिकल ए फॉर एग्जाम्पल अ यूजफुल बुक यूजफुल इट स्टार्ट विद द वोवल यू बट गिव द साउंड यू उ की मात्रा यू यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी इज दैट क्लियर थर्ड यूज इज बिफोर द वर्ड One which begins with the consonant sound of व means कि one ओ एनी -E, one जो word होता है उससे पहले जो है हम use करते हैं a article क्योंकि इसका sound क्या है व हिंदी के वर्णमाला का sound है व तो व sound जहाँ पर आएगा तो हम क्या use करेंगे a for example the shopkeeper gave me a वन हंड्रेड रुपी नाट शॉपकीपर ने मुझे एक सौ रुपये का नोट दिया ओके फोर्थ यूज इज़ बिफोर सर्टन एक्सप्रेशंस यूजिंग नंबर्स नंबर्स को एक्सप्रेस करने से पहले जो है हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल देर वर अ डजन मैंगोज भी वहाँ पर क्या है एक दर्जन आम थे तो दर्जन से पहले हम ए का यूज़ किया फ एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद वोवल साउंड कि जो एन का यूज़ होता है वो वोवल साउंड से पहले होता है हमने पढ़ा था अबाउट ए ए इज़ यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड जो कॉन्सोनेट साउंड होते हैं व्यंजन जो ध्वनि होती है हिंदी के उन से पहले यूज़ करते हैं एंड एन बिफोर वोवल साउंड जो स्वर होते हैं अ से लेके अन खाली तक उन स्वरों के पहले जो है उन साउंड से पहले जो है हम यूज़ करते हैं एन को फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला साउंड ऑफ अ इट्स साउंड ऑफ वॉवल साउंड ऑफ स्वर एन ऑक्स ओ साउंड ऑफ ओ सो इट बेस्ड ऑन साउंड एन जो है हम यूज़ करेंगे वोवल साउंड से पहले जहाँ पर वोबल्स आएंगे ए ई आई ओ यू एज़ वेल एज जहाँ पर वोवल, -E well वोवल साउंड आएगा तो हम यूज़ करेंगे एन सेकेंड यूज़ इज़ बिफोर अ नाउन नाउंडच बिगिन विद अ साइलेंट एच बिफोर अ वोवल मीन्स कि एक नाउन से पहले जो एच से स्टार्ट होता हो लेकिन वो क्या हो साइलेंट हो और उस एच के बाद क्या हो वोबल हो तो उससे पहले हम जो है एन का यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर एक घंटा अब आर जो है एच से स्टार्ट हो रहा है इसका एच साइलेंट है और ओ जो है एक वोवल है तो ओ वो, ओवल से पहले जो है ओ वोवल से पहले एच आया है सेम एज़ एन ऑनरेबल मैन ऑनरेबल में भी एच साइलेंट है और ओ वोवल से पहले एच का यूज़ हुआ है सो so, एच से स्टार्ट होने वाले ऐसे वर्ड्स जिसके पहले जो है जिसके बाद में ओ हो तो उनसे पहले जो है एच साइलेंट रहता है और उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं देर आर सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट इज़ एन आंट वॉल up अप अ ग्रेन सो बिफोर आंट वी यूज एन बिकॉज आंट साउंड स्टार्ट विद अ Second example is Rahul is an honest boy. Honest. It starts with the H, but H is silent and the sound is O. So we use and before the honest. So these are two examples which shows the vowel sound before. Third use is बिफोर एब्रीवियशंस विच बिगेन विद अव साउंड एब्रीवियशंस मीन्स जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं तो उसको एब्रीविएशन्स कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एन आई ए एफ पायलट आई ई एफ मीन्स एब्रीवियशंस जो एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी इंडियन एयर फोर्स द फुलॉम ऑफ आई ए एफ इज़ इंडियन एयरफोर्स सो आई इट साउंड गिव वॉवल सो बिफोर वोवल साउंड वी यूज़ एन सो वी यूज़ एन बिफोर आई एफ or an एन यूज़ ऑफ first use is refer to some particular person or thing, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को बताने से पहले जो है नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इन रेड फ्रॉक इज़ my niece. कि वो जो रेड ड्रेस के अंदर रेड फ्रॉक के अंदर जो गर्ल है वो मेरी नाइस है तो पॉइंटिंग आउट कर रहा है किसको उस गर्ल को जिसने क्या किया हुआ रेड ड्रेस वेयरिंग किया हुआ है तो दैट इज़ पर्टिकुलर गर्ल सो वी यूज द बिफोर द गर्ल ये सेकेंड यूज ऑफ अ नाउन विच शोज अ रैंक टाइटल पोजिशन और प्रोफेशन भी रैंक से पहले टाइटल से पहले पोजीशन से पहले और किसी भी प्रोफेशन से पहले जो है दा का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल द चेयरमैन द प्रिंसिपल द टॉपर दीज आर सम रैंक पॉजिशन एंड प्रोफेशन एग्जाम्पल फर्स्ट इज़ नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर So before Prime Minister, we use the because it is the position of that person. The again, the is used before the rank, title, position or profession. Third use is before the name of rivers, seas, oceans, mountain range. नेचुरल रिसोर्स डायरेक्शन एंड यूनिक थिंग्स कि रिवर्स के नेम से पहले सीज़ ओशन माउंटेन रेंज और जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं डायरेक्शंस हैं हमारी या फिर यूनिक थिंग्स हैं उन सब से पहले जो है दी का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द मून मून यूनिक है एक है मून उस जैसा और नहीं है दर्थ अर्थ भी एक है उस जैसा नहीं है कोई और तो ये यूनिक थिंग्स हैं तो इनसे पहले क्या लगेगा दा लगेगा इस तरीके से रिवर्स हैं जो हमारी उनसे पहले भी और अदर जो हैं उनसे पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे दा लगाएंगे फोर्थ यूज इज़ विद द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और वेल नॉन बिल्डिंग्स जो हमारे ऐतिहासिक स्थान होते हैं और जो जानी मानी बिल्डिंग्स होती हैं उनसे पहले जो है दा का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल Here is the Taj Mahal. Taj Mahal is a historical place as well as the Eiffel Tower. Second example is the Eiffel Tower. So both are the historical place and well known buildings. So we use the fifth use is with the name of newspapers and the holy book, Dharmic. जो किताबें हैं और जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं उनसे पहले जो है दी का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल्स द टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदुस्तान टाइम्स द भगवत गीता एंड द बाइबल फर्स्ट टू आर द न्यूज़ पेपर्स नेम एंड द लास्ट टू आवर हॉली बुक्स द भगवद गीता एंड द बाइबल सिक्स यूज़ इज विथ कॉमन नाउन्स रिप्रजेंटिंग अ होल क्लास वे कॉमन नाउन जो मतलब भी एक होल क्लास को रिप्रजेंट कर रही हो उसके पहले जो दी का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल द मॉर्निंग प्रेयर्स आर परफॉर्म्ड बाय द पंडित इन द टेम्पल्स विध टेम्पल्स के अंदर जो पर्टिकुलरली पंडित के द्वारा जो है मॉर्निंग प्रेयर्स जो परफॉर्म्ड की जाती है तो पूरी पंडित कैटेगरी जो है उसके से पहले जो है उनको डिनोट किया गया इसलिए उससे पहले क्या यूज़ करेंगे द का यूज़ करेंगे सेवन्थ यूज़ विथ सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है द का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल रीटा इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंकर इन हर स्कूल कि रीटा जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है एंकर है उसके स्कूल में सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द शो टूडे कि ये जो है आज की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी तो बेस्ट और मोस्ट द बोथ आर सुपरलेटिव डिग्री सो बि यूज़ दा बिफोर बोथ तो इनसे पहले हम जो है द का यूज़ करेंगे यस दीज आर आर्टिकल्स use of a and and the i hope you understand this video thank you please like subscribe and share this channel